अगर आपको पनीर की क्विक रेसिपी चाहिए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। पनीर के साथ साथ इसमें काफ़ी सारी सब्जियां जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कशिप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर दाल फ्रेजी, जो मिनटों में तैयार हो जाती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप इसे अक्सर बनाना पसंद करेंगे। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे बनाने के लिए हम जो भी सब्जियां इस्तेमाल करेंगे उसे हमें आधे इंच के टुकड़ों में लंबे शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का गाजर लिया है, दो कैप्सिकम लिया है मीडियम साइज़ का, तीन छोटे साइज़ का प्याज ले लेंगे, इसके साथ ही 200 ग्राम पनीर और एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है। सबको काटने के बाद एक कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे हम 2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है इसमें। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 इंच टुकड़ा अदरक को ग्रेट कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे जीरा के साथ ही और दोनों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। लगभग 1 मिनट में अदरक और जीरा अच्छी तरह से भून गया है तो इसके बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो अच्छी तरह से चलाते हुए इसे भून लीजिए। इस प्रोसेस में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लेंगे हम और यहाँ पे देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो जैसे ही प्याज गुलाबी हो जाए हम इसमें बाकी की सब्जियों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च डालेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं, बस इसे मिक्स करके हम कवर करते हुए पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मिला लिया है अच्छी तरह से, अब कवर कर देते हैं और लगभग 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो गैस का फ्लेम लो रखिए और यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गया है, इसने काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ किया है। तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे जो कि इस तरह से है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए या फिर 1/2 छोटी चम्मच। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है ताकि मसाला हमारा जले ना। काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ किया है कैप्सिकम ने तो ऐसे चांसेस कम है मसाला जलने का, फिर भी गैस का फ्लेम लो रखिए। तो मसाले को मिलाने के बाद इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ताकि मसाले का कच्चा फ्लेवर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है, तो एक बार मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम फिर से कवर कर रहे हैं इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और यहाँ पे भी गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियाँ थोड़ी सी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये देखिए। तो जैसे ही गाजर और शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें पनीर और टमाटर एक साथ डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें सब्जियां थोड़ी सी क्रंची बनी रहती हैं तो इनका टेस्ट और भी बेहतर आता है, तो इसके लिए इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिए। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि पनीर टूटे ना। आप चाहें तो इसमें पनीर को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। मिलाने के बाद इसे कवर कर दीजिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो, उसका क्रंची फ्लेवर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम उसे मशीन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3 मिनट के बाद मैंने लिड हटाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, आप चाहे तो एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड किया मैंने 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी ऐड किया मैंने, ये भुना हुआ कसूरी मेथी है, अगर आप चाहे तो नॉर्मल कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन भुने हुए कसूरी मेथी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेंगे ताकि सब्जियों के ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए, अंदर से जूसी बाहर से क्रंची, ये सब्जियाँ आपको बहुत अच्छी लगेंगी इस रेसिपी में। इस स्टेज पे चाहें तो आप बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे सर्व कीजिए आप प्लेन रोटी या पराठा के साथ, घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो बिल्कुल इसी तरह से इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।